नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ शिवम पांडे और हम देख रहे हैं कक्षा दसवीं का विज्ञान, ठीक है, जो हमारे CGPSC के मुख्य परीक्षा, CGPSC के प्री, CGPSC व्यापम और SSC रेलवे और जो भी वन डे एग्जामिनेशन होते हैं उन सभी में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिसमें हम अध्याय तीन में आए हैं। और अध्याय तीन का जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है, वो है ऊष्मा एवं ताप। हम इसमें ऊष्मा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे और वो ताप क्या चीज़ है इन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें तापमापी बनाना पड़ा, तो शुरुआत करते हैं। चलिए, हमारे दैनिक जीवन में गर्म ठंडा जैसे जो शब्द हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, महत्व रखते हैं। हमारा जो वातावरण का तापमान है वो कैसा होना चाहिए, हमारे कार्य जो है आराम से हो सके, ठीक है, हम कार्य को आराम से कर पाएँ, तो इस प्रकार से जो हमारा तापमान है वो हमारे अनुकूल होना चाहिए। खाने को सड़ने से बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, ठंडा रखना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ जब हमें खाना पकाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको आग जलाकर उसके गर्म करके पकाना पड़ता है। इस प्रकार से तापमान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। गर्मी के दिनों में हमें पंखा चलाना पड़ता है जबकि सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ना पड़ता है, ठीक है। चाय हमेशा गर्म पसंद है जबकि शरबत हमेशा ठंडा, ठीक है। तो इस प्रकार से तापमान का जो वेरिएशन है हमारे दिनों दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। अब हम देखेंगे क्या कोई चीज़ कितनी गर्म कितनी ठंडी होती है और उसको जानने के क्या तरीके हैं, ठीक है। तो गर्म और ठंडा क्या केवल ये दो शब्द हैं जिनके द्वारा हम किसी चीज़ का तापमान बता सकते हैं? क्या ये दोनों शब्द जो है पर्याप्त हैं? गर्म और ठंडा, इतना गर्म है इतना ठंडा, परंतु ये पर्याप्त नहीं है, ठीक है। गुनगुने पानी को आप छूने से आपको क्या लगेगा कि वो गर्म है, परंतु गर्म पानी की तुलना में वो क्या लगेगा कि वो ठंडा है, और ठंडे पानी की तुलना में वो क्या लगेगा, गर्म है। तो इस प्रकार से बस हमको एक से दूसरे में तुलनात्मक रूप से हमको पता चलेगा कि वो किस तापमान में है, परंतु एग्जैक्ट तापमान हमको नहीं मालूम होगा। क्यों नहीं मालूम होगा? क्योंकि तापमान के प्रति हमारी जो संवेदनशीलता है वो भरोसेमंद नहीं है और बहुत ही हमारा सीमित है, हमारा जो कैपेसिटी है कि उसको जानना, ठीक है। तो इसके खासकर आजकल के व्यवहारिक और वैज्ञानिक कार्यों के लिए, जैसे उबलते पानी को छूकर कोई तापमान नहीं बताना चाहेगा वरना वो जल जाएगा, ठीक है। तो सामान्यतः हम तापमान की व्याख्या तुलनात्मक रूप से कर सकते हैं, परंतु ऊपर दिए गए कारणों के चलते समय के साथ साथ हमें कुछ ऐसे तरीकों और उपकरणों की आवश्यकता पड़ी जिससे कि हम किसी वस्तु कितनी गर्म है कितनी ठंडी है इसका सटीक और वस्तु परक मापन कर सके। तो यही हमारी आवश्यकता पड़ी तापमापी का आविष्कार करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब तापमापी से पहले हम ये जान लें कि तापमापन क्या होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि गर्म वस्तु ठंडी व ठंडी वस्तु गर्म हो सकती है, यह की जा सकती है, ठीक है। क्या आप दैनिक जीवन में होने वाले ऐसे कुछ उदाहरण बता सकते हैं, ठीक है, तो ये हमको नहीं बताना है, ठीक। अपन देखते हैं कि तापमान हम कैसे मापेंगे, ठीक है। तो तापमान मापने के लिए जो फैक्टर्स हैं वह महत्वपूर्ण हैं हमारे एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है, इसमें पहले देखते हैं किसी भी वस्तु का तापमान मापक के लिए हमें केवल निम्नानुसार बातों की आवश्यकता होती है, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बात है पदार्थों का एक ऐसा गुण होना चाहिए जो कि तापमान पर निर्भर हो, जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो। ऐसा ही चीज़ हमें चाहिए जो तापमान के साथ बदलते रहे, तभी तो हमें पता चलेगा कि किसी और चीज़ का तापमान कितना है, ठीक है, या फिर उस जगह पर तापमान कितना है उस पदार्थ की सहायता से, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इस गुण के परिवर्तन को समरूप दर्शाने वाला एक पदार्थ, ठीक है, और इस पदार्थ के गुण को जैसा ही ये परिवर्तन होता है तो उसको उसी प्रकार से दिखाने के लिए एक पदार्थ की आवश्यकता होती है, ठीक है, कि तापमान में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। अगला पॉइंट है हमारा, एक सर्वमान्य प्रचलित मापदंड होना चाहिए, मतलब ऐसा कि किसी क्षेत्र विशेष का मापदंड नहीं होना चाहिए, उसको सभी जगह प्रचलित होना चाहिए ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान में यदि हम जाएं तो वही सेम मापदंड हमको मिले, ठीक है, ताकि जो कठिनाई है वो ना हो पाए मापने में। तो इस गुण के कारण एक निश्चित बदलाव को तापमान के एक निश्चित घटबढ़ से जुड़ता हो, ठीक है, एक निश्चित रूप से, जैसे दूरी की अभी जो इकाई है वो क्या है, मीटर है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड माना जाता है कि इतने मीटर दूर में स्थित है
या फिर किलोमीटर इसके आगे जोड़ दें। तो इसी प्रकार से यूनिवर्सल होना चाहिए, जो ताप मापन करने के लिए जो इकाई है, मापदंड है, उनको सभी जगह सर्वमान्य होना चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास ये तीन बातों वाला पदार्थ जैसे कि पारा, हवा, पानी, ये उपलब्ध हैं, तो आप भी अपना ताप मापी यंत्र स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल देखते हैं। एक इस प्रैक्टिकल को बताने का उद्देश्य यही है कि ये गैलीलियो का जो एक्सपेरिमेंट है उसी से रिलेटेड। इस प्रैक्टिकल में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ताप मापी बनाया जाता है। ठीक है, तो कांच की एक छोटी सी शीश लेंगे, स्ट्रॉ लेंगे, कैंची लेंगे, स्याही लेंगे, पानी और टेप। ठीक है, क्या करेंगे, ये जो शीशी है, ठीक है, एक सेकंड, ये जो कांच की शीशी है इसमें पानी और स्याही मिक्स करके इसमें भर देंगे और ऊपर से एक कॉक लगा देंगे और छेद करके एक पाइप डाल देंगे। ठीक है, अब अपने हाथों को, दोनों हाथों को जोर से रगड़िए और इस कांच के जो शीशी है उसके बाहरी हिस्से को अच्छे से पकड़ लीजिए। तो क्या देखेंगे आप कि ये जो पानी का जो जल स्तर है वो इस पाइप में ऊपर चढ़ने लगता है। तो यही एक प्रकार से तापमान में परिवर्तन को इशारा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया है कि जैसे ही आप हाथ को रगड़कर सीसी के ऊपरी भाग पर रखेंगे तो क्या होगा, पानी का जो स्तर है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चलने के कारण जो है, इसी प्रकार इसको हम क्या कहेंगे, इस प्रकार के जो ऊष्मा मापी यंत्र है उसको क्या कहेंगे, थर्मोस्कोप कहेंगे। ठीक है, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो विधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसमें थर्मामीटर की तरह जो है ताप मापी पैमाना नहीं रहता, इसलिए इसको थर्मोस्कोप कहते हैं। ठीक है, केवल तरल पदार्थ रहते हैं और उसी के साथ उतार चढ़ाव से तापमान में जो बदलाव है उसको हम देख सकते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने और हाथों को रगड़कर सीसी पर रखने से हाथों द्वारा जो मिली उष्मा है उसके कारण सीसी के अंदर की जो हवा है वो गर्म होकर फैलने लगती है। ठीक है, और सीसी के बंद होने के कारण यह गर्म हवा पानी पर दबाव डालती है और इस कारण से पानी का जो स्तर है वो स्ट्रॉ में बढ़ने लगता है। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कब हुआ था, तो गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके वन डे एग्जामिनेशन के लिए, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए, कि किसे फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है और फादर ऑफ साइंस कहा जाता है, तो वो है कौन है, गैलीलियो। ठीक है, साथ ही साथ ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो 1593 में हुआ था, तो ये सन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है ताप माप थर्मोस्कोप बना लिए। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा। ठीक है, तापमान के जो पैमाने हैं वो हम देखेंगे, विभिन्न पैमाने हैं, तो तीन प्रकार के मुख्यतः जो पैमाने हैं वो प्रचलित हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो क्या क्या हैं, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है, केल्विन है। ठीक है, तीनों में जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस वो क्या है हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला ये देखिए, ये है केल्विन। ठीक है, इसमें जो न्यूनतम तापमान है 273 केल्विन है और अधिकतम तापमान है वो कितना है, 373 केल्विन है। ठीक है, और कुल मिला के ये 100 भागों में बटा हुआ है, इक्वल 100 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट हमारा जो क्या है, सेल्सियस वाला तापमान है, उसमें जो न्यूनतम तापमान है इसके स्केल में वो है 0 डिग्री सेल्सियस और जो अधिकतम तापमान है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें पानी उबलता है। ठीक है, इसमें भी 100 बराबर भागों में ये बटा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है सबसे थोड़ा डिफरेंट, फ़ारेनहाइट, जिसमें न्यूनतम तापमान है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अधिकतम जो तापमान है वो है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, और ये 100 भागों में नहीं बटा हुआ है, ये 180 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से डिफरेंस थोड़ा सा इसमें मिलेगा कि ये थोड़ा 180 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, फ़ारेनहाइट जो पैमाने हैं उसमें सामान्य दाब पर पानी के उच्चतम तापमान को 212 फ़ारेनहाइट कहा जाता है। ठीक है, और न्यूनतम जो है 32 फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है, यानी कि बर्फ जमता है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट के न्यूनतम और उच्चतम के बीच में मैंने बताया 180 भाग में विभाजित है, इसी प्रकार सेल्सियस दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, अब दोनों ताप मापी के बीच में यदि हम संबंध देखें किन्हीं भी दो ताप मापी, तो ये जो है फॉर्मूला है इसको आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि पहला जो तापमापी है उसका क्या होगा, तापमान पैमाना। ठीक है, यानी कि जैसे कि सेल्सियस है तो सी लिखेंगे,
न्यूनतम बिंदु जैसे 0 डिग्री है तो 0 लिखेंगे, उच्चतम बिंदु 100 डिग्री है तो 100 लिखेंगे, न्यूनतम फिर से 0, ठीक है। इसी प्रकार से इधर दूसरे इस जो अपना तापमान मापी जो है उसका सेम वैसी सिचुएशन रहेगा। तो ये पहले आप इसको इस सूत्र को आपको याद रखना है, ठीक है, हिंदी में। उसके बाद हम आगे देखेंगे उसको गणितीय रूप में किस प्रकार याद रखना है, ठीक है। जैसे एक प्रश्न हमको दिया है न्यूमेरिकल, डॉक्टर द्वारा हमारा जो स्वास्थ्य है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बताया है, अब इसको हमको सेल्सियस में बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, तापमान पहले हम फ़ारेनहाइट वाला इधर लिखेंगे और ये सेल्सियस वाला इधर लिखेंगे। तो F-32, ठीक है, मतलब F जो हो गया उसका नाम और 32 जो है उसका न्यूनतम तापमान, वैसी सेम अधिकतम माइनस न्यूनतम नीचे में, तो अधिकतम 212 है, न्यूनतम 32 है। तो इस प्रकार से फ़ारेनहाइट को हो गया, उसी प्रकार सेल्सियस में सी हो गया न्यूनतम तापमान, फिर 100 अधिकतम, फिर माइनस न्यूनतम, ठीक है, सेम वैसी सिचुएशन है। अब इसको आगे बढ़ते जाएंगे हम इसका सॉल्यूशन करते हुए, तो क्या होगा, 212 में से जब हम 32 को घटाएंगे, 212 में 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, ठीक है। तो वही ये 180 है और इधर आ जाएगा 100 - 0 तो 100 आ गया, ठीक है। अब 180 यहाँ पर है और यहाँ पर कितना है 100, तो दोनों में से पहले तो एक एक जीरो कट जाएगा तो बच गया 10 और 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 तो 5 आ गया, 2 से कट जाएगा 10 और ये 2 × 18 तो ये हो गया 9, ठीक है। तो इस प्रकार से आ गया अपने पास F-32/9 और इधर आ गया C/5। अब जो है ये वाला अपने को निकालना है सेल्सियस में, तो C को हमको अकेले करना पड़ेगा, तो इस 5 को भेज देंगे इधर ऊपर, क्योंकि ये तिर्यक गुणा होगा, अभी इधर भाग के रूप में है तो इधर जाके वो गुणे के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से 5 को ऊपर भेज दिया है तो 5/9 इधर आ गया है, ठीक है। और F-32 चूँकि डॉक्टर ने हमें बताया है कि 98 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट में है, 98.6, तो यहाँ पर हम इसका मान को रख देंगे। तो इसी प्रकार से हम इसको इस साइड लिख दिए और यहाँ पर उसका मान हम रख दिए, तो 98 में से जब 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 66.6, ठीक है। 98.6 - 32 तो 66.6 बचा। फिर इसको जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा सेल्सियस में वो आएगा 37 डिग्री। इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 98 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है उसका क्या होगा सेल्सियस में, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, यही मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। तो एक और पॉइंट है यहाँ पर, मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, तो डिग्री में बताना है सेल्सियस में आपको तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में बताना है तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेम सिचुएशन जो है आपका यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल है उसको पहले वाले में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के साथ किया गया है, दूसरे वाले में केल्विन और सेल्सियस के साथ किया गया है, ठीक है। सेम वैसे ही निकालना है तो इसका भी आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। ऊष्मा, ऊष्मा क्या होता है हम देखते हैं हम आगे। यदि ठंडे पानी के बर्तन में गर्म पानी का छोटा बर्तन रख देते हैं तो क्या होता है, कुछ देर में ठंडा पानी गर्म हो जाता है और गर्म ठंडा हो जाता है। तो इस प्रकार से ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और एक दूसरे में वो जब तक बराबर टेम्परेचर नहीं हो जाता तब तक उसमें आगे पीछे एक दूसरे से ऊष्मा का जो ट्रांसफर है वो चलते रहता है, ठीक है, सामान्य सी बात है। खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बर्तन को ठंडे पानी में रख देते हैं, ठीक है, तो ये सिंपल बात है। जब दो वस्तुओं, ठीक है, को संपर्क में लाया जाता है जिनका तापमान क्या हो, अलग अलग हो, तो उनका जो तापमान है घट बढ़कर एक दूसरे के समान हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है ये आगे देखेंगे। तो इतना आप जान लीजिए कि दो वस्तुओं को जब एक साथ लाया जाता है और उनमें से किसी एक का तापमान अधिक है और एक का तापमान कम है तो उन दोनों का तापमान एक्सचेंज होकर घट बढ़ करके एक समान हो जाता है। पहले ऐसे माना जाता था कि जब दो विभिन्न तापमान वाली जो वस्तुएं हैं उनको संपर्क में लाया जाता है तो उनके बीच में एक तरल अदृश्य पदार्थ का लेन देन होता है या आदान प्रदान होता है, ऐसा मानते थे पहले, ठीक है। गर्म वस्तु में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है ऐसा मानते थे, जबकि ठंडी वस्तु में इसका मात्रा कम होता है, ठीक है। अतः यह पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि इसका स्तर दोनों में बराबर ना हो जाए, ठीक है। इस तरल पदार्थ को क्या बोलते थे,
कैलोरिक बोलते थे। तो नाम याद रखना है आपको कि क्या बोलते थे, कैलोरिक। कैलोरिक की मात्रा बढ़ने पर तापमान की मात्रा भी बढ़ जाती थी, ऐसा मानना था, परंतु ये सर्वथा गलत है। ठीक है, इसका जो भ्रम है वो कैसे टूटा? बेंजामिन थॉमसन 1753 से 1814 इनका जो डेट ऑफ बर्थ और डेथ है, तो जिनके बाद काउंट रामफोर्ड नाम से जाना जाता था, जिनको एक जाने माने जो है वैज्ञानिक थे और कुशल युद्ध विशेषज्ञ थे। ठीक है, उस समय क्या होता था, तोपों के नालियों में सुराख करने के लिए एक विशेष किस्म की धातु काटने वाली संयंत्र लगी हुई थी मशीन, और इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस खास किस्म के कटर्स को अश्व शक्ति यानी घोड़ों की शक्ति से घुमाया जाता था। तोपों में छेद करते समय नली जो है गर्म हो जाती थी। ठीक है, पहले तोपों को जो है साफ करने के लिए क्या किया जाता था, एक प्रकार से एक लोहे का जो भी धातु का चीज है उससे उसको साफ किया जाता था। ठीक है, तो उसको गर्म, वो जो है गर्म हो जाती थी साफ करते करते। तो कैलोरिक के सिद्धांत के अनुसार तोपों की नालियों में भरी कैलोरिक को का तोपों में जब छेद करते हैं तो क्या होता था, रिसाव होता है, ऐसा कहते थे। मतलब कैलोरी का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई पदार्थ का जो है फ्लो होता है उसके कारण गर्म होता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर क्या माना जाता था, तोप को जब साफ कर रहे हैं तो उसके अंदर जो कैलोरी भरी हुई है वो उसमें लीकेज हो गई, इस कारण से तोप गर्म हो गया। मतलब बेबुनियाद टाइप का इफेक्ट, तो ये जो है नली गर्म हो जाती है, ऐसा करके उसमें कहा गया। परंतु रामफोर्ड को यह बात जरा भी नहीं जची। ठीक है, उन्होंने कैलोरिक सिद्धांत को परखने के लिए कई प्रयोग किए और पाया कि मात्र घर्षण से ही किसी भी धातु में बिना उसमें बदलाव लाए ढेर सारी गर्मी पैदा की जा सकती है। तो मुख्य बातें यहाँ रामफोर्ड ने बताया कि घर्षण से होता है तापमान में वृद्धि। ठीक है, इस तरह गर्मी पैदा करने से धातु के द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, द्रव्यमान से कोई रिलेशन नहीं है टेम्परेचर का, ये बात हमको पता चल गया। इसी से उनका निष्कर्ष था कि तोपों में छेद करते समय गर्मी पैदा होने का असली स्रोत उन घोड़ों की ऊर्जा है जिनकी शक्ति से सुराख करने वाला यंत्र चलता है। ठीक है, यानी घोड़ों की ताकत ही घर्षण के द्वारा गर्मी में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, 1798 में क्या किया, 1797 में उनका दावा था कि कोई भी जो उष्मा है, उष्मा कोई पदार्थ नहीं है बल्कि ये क्या है, एक ऊर्जा है। न्यूटन भी इसी प्रकार के मत रखते थे, मतलब ये भी उनके मत से सहमत थे, और 1840 से 1850 में जूल के प्रयोगों से भी यही सिद्ध हुआ। ठीक है, जूल के प्रयोग से यही सिद्ध हुआ, उन्होंने यांत्रिक ऊर्जा व उष्मा ऊर्जा की समतुल्यता को दर्शाया, जिसके बारे में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन हम अगली कक्षा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इतना आप जान गए कि जो तापमान है वो किसी पदार्थ के आदान प्रदान से नहीं बल्कि वो एक ऊर्जा के रूप में एक जगह से दूसरे जगह जाता है, क्या, उष्मा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे उष्मी ऊर्जा के मात्रक, जो आपके बहुत ही काम की चीज है रेलवे और एसएससी के लिए। ठीक है, सीजीएस पद्धति में उष्मा का जो मात्रक होता है इसको याद रखना है कि क्या होता है, कैलोरी होता है। ठीक है, सीजीएस पद्धति में उष्मा का मात्रक कैलोरी होता है। एक कैलोरी उष्मा की वह मात्रा है जो, अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक कैलोरी मतलब कितना होता है। ठीक है, तो एक कैलोरी उष्मा की वह मात्रा है जो एक ग्राम पानी के तापमान को एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा ले, मतलब 1450 से 1515 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, पर इसका मतलब क्या होगा, एक डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो एक डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो मात्रा लगती है उष्मा की वही क्या कहलाती है, एक कैलोरी उष्मा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में भी डेफिनेशन को पूछ सकता है। ठीक है, घुमा फिरा के कैलोरी के स्थान पर किलो कैलोरी का भी उपयोग किया जाता है। अब किलो मतलब तो आप सभी जान रहे हैं कि 1000 को शॉर्टकट में 1K भी बोलते हैं, मतलब एक किलो। ठीक है, तो 1000 किलो कैलोरी, ठीक है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1 किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी। ठीक है, दूसरा, चूंकि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक स्वरूप है इसलिए ऊष्मा का एसआई जो मात्रक है जूल होता है। ठीक है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और सीजीएस मात्रक कैलोरी। ठीक है, दोनों को याद रखना है आपको, और यहाँ पर कुछ चीज दिए हुए, एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल,
और 1 किलो कैलोरी मतलब उसमें 10^3 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि ऊष्मा का जो संचरण है वो किस प्रकार होता है। हमने देखा कि जिस प्रकार द्रव सदैव ऊंचे तल से निचले तल की ओर बहता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड हो अगर उसको हम फ्लो कराएंगे तो ग्रेविटी के दिशा में बहेगा, मतलब ऊपर से नीचे ही बहेगा। ठीक है, ऊष्मा का प्रवाह भी सदैव उच्च तापमान से निम्न तापमान में होता है। ठीक है, सभी जानते हैं, कोई बताने वाली नई बात नहीं है। ठीक है, तापांतर के कारण ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक के हो रहे स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ये ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं? ठीक है, ये एक परिभाषा हो गया। तो ऊष्मा का संचरण उसे कहते हैं जब तापांतरण होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा क्या होती है, जाती है, तो उसको ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ऊष्मा का संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम। तो पहले हम देखते हैं ऊष्मा संचरण के 3 प्रकार। ठीक है, तो आपको सब समझ में आ जाएगा, सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला जो है चालन, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कंडक्शन। तो ये आपको दोनों नाम याद रखना चाहिए हमेशा, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। ठीक है, तो एक हम पहले प्रैक्टिकल के माध्यम से जानते हैं, डायरेक्ट डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर मोमबत्ती की सहायता से बहुत सारे खील को इसमें जो है चिपका देंगे, ठीक है, किसमें, एक रॉड में। ठीक, अब बीच में हम इसको जैसे किनारे में गर्म कर रहे हैं तो लाइन से धीरे धीरे क्या होगा, ये रॉड गर्म होते जाएगा और एक एक करके जो है कील गिरने लगेगा। ठीक है, यहाँ वाला सबसे पहले नहीं गिरेगा, जब मोमबत्ती के साइड वाला जो है कील सबसे पहले गिरेगा, फिर थोड़ा उसके आगे वाला गिरेगा। तो इस प्रकार से मतलब संचरण होता है, यही छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, इसमें यही बताया है। ठीक है, तो चालन के द्वारा क्या होता है, हम ये देखते हैं। तो चालन के द्वारा ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक के पदार्थ के कणों के द्वारा अपने स्थान छोड़े बिना ही संचरित हो जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको कि चालन में होता क्या है। तो चालन में क्या होता है, पदार्थ के कणों के द्वारा अपना स्थान छोड़े बिना ऊष्मा क्या हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है। बस ये इंपॉर्टेंट है इसमें। चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि चालन के द्वारा जो है ऊष्मा के प्रवाह को ऊष्मीय चालकता कहते हैं। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि जब धातु की छड़ को एक सिरे से जब हम गर्म करते हैं तो दूसरा सिरा भी शीघ्र गर्म होता है। क्यों होता है, गर्म होने पर जो है छड़ के उस भाग के कणों में क्या बढ़ जाती है, कंपनता बढ़ जाती है। ठीक है, वाइब्रेशन बढ़ जाता है और उसमें उसमें ऊर्जा बढ़ जाती है। कंपन करने वाले ये अणु अपने से आगे वाले अणु में ऊर्जा को स्थानांतरित, बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना रहता है कोई भी पदार्थ, तो इस प्रकार से वाइब्रेशन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और ट्रांसफर होते जाता है अणु से अणु के। तो इस प्रकार से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो ये कौन सा विधि है, चालन विधि। ठीक है, अब बढ़ती चालकता के अनुसार जो है पदार्थों का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन है, ऊष्मारोधी पदार्थ और कुचालक और चालक। ठीक है, ऊष्मारोधी माने बिल्कुल भी चालकता नहीं होता ऊष्मा का, जैसे कि क्या है, एर्बोनाइट और एस्बेस्टस, नाम याद रखना है, दो ही नाम है और ऊष्मारोधी पदार्थ है। ठीक है, एर्बोनाइट और एस्बेस्टस। ठीक है, एर्बोनाइट लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर दूसरा आ गया कुचालक। कुचालक को अगर अंग्रेजी में देखें तो बैड कंडक्टर। ठीक है, ऊष्मा का संचरण सरलता से नहीं होते, जैसे कि लकड़ी और कांच। ठीक है, अब आ गए अपन चालक में। चालक में क्या क्या है, तो धातु और जल। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन है। अगला जो माध्यम है ऊष्मा के संचरण का वो क्या है, हमारा संवहन यानी कि कन्वेक्शन। एक फ्लास्क में पानी भर लेंगे, ठीक है, पानी में उसमें क्या डाल देंगे, स्याही डाल देंगे, अब फिर उसको गर्म करेंगे एक थिसिल मतलब वो इससे लैंप के सहायता से। ठीक है, तो क्या होगा कि नीचे वाला जो पानी है वो ऊपर आएगा, स्याही इसलिए डाले हैं ताकि पानी दिखे कि वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, नीचे से जो पानी गर्म करेंगे वो ऊपर की ओर फैल कर जाएगा और ऊपर का जो पानी है वो नीचे आएगा। तो इसी प्रकार से ये संवहन होता है, गर्म होकर जो है पानी नीचे से फैल कर ऊपर की ओर उठता है, जबकि ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है ये संवहन प्रोसेस होता है। वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होता है, नदी और रेत पर। यहाँ पर नदी है, यहाँ रेत है, दिन के समय में क्या होगा,
यह रेत गर्म होती है सूर्य की ऊर्जा से, और यहाँ से वेपोराइज होकर यानी कि गर्म होकर क्या होता है, हवा फैलती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, खाली हो जाता है जमीन यहाँ पर का, ठीक है, वैक्यूम हो जाता है। और नदी का जो पानी है, नदी के पानी के ऊपर जो हवा रहेगी वो क्या रहेगी, ठंडी रहेगी। तो यहाँ पर जब सब गैसें स्प्रेड हो गई हैं तो यहाँ का जो वायु है वो रिक्त हो जाता है, तो यहाँ को भरने के लिए चारों तरफ से जो ठंडी हवाएं हैं वो आती हैं और यहाँ को स्पेस को भरती हैं। तो इसी प्रकार से यह हवा चलती है, ठीक है। सेम सिचुएशन रात में उल्टा हो जाता है, इधर जो है अपना रेत के जो है साइड जो है ठंडा हो जाता है, और इधर समुद्र या नदी के साइड जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही एक्सपांड होता है वायु, तो इनके बीच का जो एरिया है वो खाली हो जाता है, और इधर से ठंडी हवा आती है और इसको भरने के लिए, तो इस प्रकार से हवा चलती है, ठीक है। तो ये हवा का चक्र चलते रहता है। अब हम देखेंगे अगला जो माध्यम है वो रेडिएशन है, यानी कि विकिरण, ठीक है। क्या ऊष्मा संचरण के लिए सदैव ही कोई माध्यम की आवश्यकता होती है? तो अगर ऐसा होता तो सूर्य से यहाँ पर ऊष्मा आती ही नहीं, हमको गर्मी ही नहीं लगती, क्योंकि वो बिना माध्यम से आता है, ठीक है। तो सूर्य से आने वाली जो ऊष्मा है उसके बारे में हमको सोचना है। तो ब्रह्मांड में वायु की उपस्थिति नहीं है, ठीक है, वहाँ वैक्यूम है, सभी जानते हैं कि स्पेस में कोई प्रकार का वायु नहीं है। तो फिर सूर्य की ऊष्मा हम तक कैसे पहुँचती है? तो प्रकाश की तरह ही ऊष्मा का संचरण निर्वात में हो सकता है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा प्रकाश की चाल से ही सरल रेखा में संचरित होती है, मतलब सेम टू सेम जैसे प्रकाश चलता है वैसे ही यह भी विकिरण के द्वारा चलती है, ठीक है। किसी भी गर्म वस्तु में से ऊष्मा सभी दिशाओं में बराबर संचरित होती है। यह देखने के लिए एक बल्ब, लालटेन, लैंप अथवा दिए के आसपास अपना हाथ रखिए। तो ये सिंपल बात है कि चारों तरफ एक समान हीट जो है वहां से फैलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ऊष्मा के प्रभाव, ठीक है। हम दैनिक जीवन में ऊष्मीय ऊर्जा के संचरण को नहीं देख सकते, ठीक है, लेकिन उसके प्रभावों को अवश्य अनुभव कर सकते हैं। ऊष्मा देने पर वस्तु का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, सिंपल बात है। जितनी अधिक ऊष्मा वस्तु प्राप्त करेगा उतना ही तापमान उसका बढ़ जाएगा और पदार्थ में क्या हो जाएगा, एक्सपांसन हो जाएगा, ठीक है। गर्मी के दिनों में क्या होता है, जो रेल है, रेल की पटरी होती है उसके बीच में गैप रखा जाता है, ठीक है, कुछ एमएम का। क्यों रखा जाता है? क्योंकि गर्मी के दिन में ये जो पटरी है ये जो है फैलती है, तो फैलने से क्या होता है, वो गैप में समा जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो पटरियाँ हैं वो अपने लाइन से बेलाइन नहीं होती, मतलब ऐसे जैसे सीधी लाइन है, और अगर ये फैल गई और इनको फैलने के लिए स्पेस नहीं मिला तो ये पटरियाँ कैसे हो जाएंगी, ऐसे मुड़ जाएंगी, और इससे क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। इस कारण जो है गर्मी के दिन में खासकर जो है, और सामान्य दिनों के लिए भी यहाँ पर गैप रखा जाता है इन दोनों पटरियों के बीच में कुछ एमएम का, ठीक है। तो ये याद रखना चाहिए, क्यों होता है ऐसा, क्यों किया जाता है, ऊष्मा के प्रभाव के कारण, ठीक है। किसी वस्तु को गर्म करने पर वह ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, उसका तापमान बढ़ जाता है। ठंडे होने की प्रक्रिया में वस्तु से में से ऊष्मा जो है बाहर निकलती है और तापमान घट जाता है, ठीक है, सिंपल बात है, वही बात रिपीटेड है। भिन्न भिन्न पदार्थों वाली समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं को समान ताप पर गर्म करने के लिए भिन्न भिन्न मात्रा में ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी, मतलब सभी पदार्थों का ऊष्मा मतलब कैपेसिटी अलग अलग होता है। जैसे एक लोहे का बर्तन है और एक एल्युमिनियम का बर्तन है, तो दोनों बर्तनों का जो कैपेबिलिटी है वो अलग अलग होगा। लोहा वाला थोड़ा देर में गर्म होगा, एल्युमिनियम जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी का ऊष्मा जो खींचने का जो कैपेसिटी है वो अलग अलग होता है, यहाँ पर ये कह रहे हैं, ठीक है। तो निम्न बातों पर निर्भर रहता है, किसी वस्तु द्वारा ली गई जो ऊष्मा है वो किस किस बातों पर निर्भर रहती है, ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। किन किन बातों पर निर्भर रहती है? तो सबसे पहला है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर होती है। तो क्यू, हम जो क्यू क्या लेंगे, दी गई ऊष्मा, ठीक है, उसको क्यू से ले लें, ठीक है। तो वस्तु के द्रव्यमान पर, तो क्यू अनुक्रमानुपाती है एम के, ठीक है, क्यू अनुक्रमानुपाती है एम के, मतलब द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऊष्मा अधिक खींचेगा वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है वस्तु के ताप में हुए परिवर्तन से। अगर हम वस्तु का तापमान भी 30 डिग्री से 40 डिग्री बढ़ा दें, मतलब उसमें 10 डिग्री का ऊष्मा और एक्स्ट्रा ले लिया, तो तापमान के भी ये क्या है, अनुक्रमानुपाती। तो क्यू अनुक्रमानुपाती है टेम्परेचर में परिवर्तन के, ठीक है, डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं दिखा इसमें, डेल्टा का मतलब क्या है, परिवर्तन, मतलब परिवर्तन जैसे कि 30 से कितना हुआ 40, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या,
40 ऋण 30, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 40 ऋण 30, तो उसका आंसर आएगा 10, ठीक है। तो ऐसे यहाँ डेल टी का मतलब क्या है, वही होगा पुराना तापमान माइनस पहले स्टार्टिंग का तापमान, नया तापमान माइनस स्टार्टिंग का तापमान, ठीक है। तो इस प्रकार से ज़्यादा डीप में नहीं जाते, आगे हम देखते हैं। तीसरा चीज, वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर, सभी पदार्थ का अलग अलग जो है क्वालिटी रहता है, तो उसके प्रकृति पर भी निर्भर करती है कि उसको कितनी उष्मा देनी है, कितनी उष्मा वो खींचता है, ठीक है। जहाँ एस एक समानुपातिक नियतांक है, अब यहाँ पर जो है अपन जो है तीनों को हम इक्वेशन में एक साथ लिखते हैं, ये जो दो चीज़ें हैं प्लस एक एस आ गया अपने पास, ठीक है। तो इन दोनों एम और टी को हम लोग एक साथ लिख सकते हैं राइट साइड में, क्यू बराबर है मतलब अनुक्रमानुपाती है एम डेल्टा टी के, क्योंकि यहाँ हमने समीकरण एक और दो के मान को यहाँ पर इस साइड रख दिया है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर क्या किए हैं हम, क्यू बराबर एम डेल्टा टी किए हैं, मतलब दोनों के एक साइड कर दिए हैं। अब यहाँ पर हमेशा अनुक्रमानुपाती रहता है, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम, एक नियतांक लाते हैं, तो वो नियतांक हमने क्या लिया है, एस लिया है, ठीक है, क्या लिया है, एस लिया है, जिसका मान वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो टोटल हम जो है उसको क्या कहेंगे, उस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहेंगे एस का, एस की परिभाषा, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको तो एक दो बार रिपीट करके देखिएगा और इसको रट लीजिएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको रटना है आपको। और यहाँ पर अब हम देखेंगे सीधा सीधा एस का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर से, तो एक तरफ एस कर देंगे और बाकी तरफ जो है पक्षांतर कर देंगे बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे कि क्यू बटे एम डेल्टा टी, तो एस बराबर निकल जाएगा। एस क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट उष्मा या विशिष्ट उष्मा धारिता, ठीक है। इससे हम पदार्थ की विशिष्ट उष्मा धारिता निकाल लेंगे सूत्र से, मतलब वह कितना उष्मा उसकी कैपेसिटी है, ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा भी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यदि परिभाषा में हम देखें तो पदार्थ की विशिष्ट उष्मा धारिता उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक तापमान की वृद्धि की कर सके, ठीक है। तो यही उसकी विशिष्ट उष्मा धारिता यानी कि एस कहलाती है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अब जो है उष्मा धारिता जो है, ठीक है, हीट कैपेसिटी, ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। वहां पर क्या था, एकांक द्रव्यमान था, ठीक है, क्या था, एकांक। तो एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमको जो तापमान की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं, एस यानी कि विशिष्ट ऊष्मा। अब यहाँ पर उष्मा धारिता बोल रहे हैं तो संपूर्ण द्रव्यमान आ गया, बस इतना ही अंतर है। तो उस एस में हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा एम का, मतलब संपूर्ण द्रव्यमान का, ठीक है। उष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है, उष्मा धारिता कहलाती है, ठीक है। अब यदि वस्तु का द्रव्यमान एम है तथा विशिष्ट उष्मा एस है, तो उष्मा धारिता हो जाएगा द्रव्यमान गुणित विशिष्ट उष्मा यानी कि एम इंटू एस, ठीक है। इसका जो इकाई है वो है जूल प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम ये जो इक्वेशन है उसको बाद में देखेंगे, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा आपको थोड़ा पढ़ के और, ठीक है। अगला हम अभी देखते हैं उष्मीय प्रसार, ठीक है, थर्मल एक्सपांसन। इसमें जो एकदम सिंपल सिंपल है, फॉर्मूला बस याद रखना है, थर्मोडाइनेमिक्स का ये एक प्रकार से टॉपिक है। आपने देखा होगा कि उबलते पानी को कांच के बर्तन में डालने पर कांच क्या हो जाता है, चटक सकता है, क्योंकि कांच का अंदरूनी भाग है ऊष्मा के कारण फैल जाता है और जबकि बाहर का नहीं फैलता, परंतु यह उच्च क्वालिटी के कांच में ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये सब चर्चा करना है आपको, तो डायरेक्ट हम देखते हैं ठोस पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। तो सबसे पहला है रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है। किसी वस्तु की लंबाई में वह प्रसार जो वस्तु की इकाई लंबाई की छड़ में 1 डिग्री ताप बढ़ाने पर होता है, ठीक है। यदि किसी ये छड़ है, ये दिया हुआ यहाँ पर छड़ है, इसका अगर तापमान हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो जितनी लंबाई की इसमें वृद्धि होती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक प्रसार
गुणांक कहेंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं इसको अल्फा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अल्फा बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, देखो अल्फा बराबर क्या दिया है, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई गुणित ताप वृद्धि, ठीक है। तो इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखें तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, यही होता है रैखिक प्रसार गुणांक। केवल रटने वाला चीज़ है, इसमें आपको यह समझना है कि जो लंबाई में वृद्धि हुई है वो कहाँ रहेगा, ऊपर में रहेगा, और जो प्रारंभिक लंबाई है वो नीचे में, और तापमान में जो परिवर्तन है वो नीचे में रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ गुणित टेम्परेचर, ठीक है। इस प्रकार से ताप वृद्धि, तो यहाँ पर लंबाई में वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, अगर हमको सिर्फ लंबाई में वृद्धि निकालना है तो रेखीय प्रसार गुणांक यानी कि अल्फा गुणित प्रारंभिक लंबाई गुणित तापमान में वृद्धि, ठीक है। तो इससे हमारा लंबाई में जो वृद्धि है वो निकल जाएगा, अगर हमको रेखीय प्रसार गुणांक दिया है, प्रारंभिक लंबाई दिया है और तापमान में वृद्धि दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, इसमें सेम है वैसे ही, देखिएगा अगर आपको फार्मूला यहाँ पर देखिए, ये वाला फार्मूला ध्यान से देख लीजिए, चेंज इन लेंथ वाला, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पर होगा, वस्तु के किसी वस्तु के क्षेत्रफल में वह प्रसार जो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर होता है, ठीक है। 1 डिग्री अगर इसका टेम्परेचर हम बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में जो एकांक परिवर्तन होता है उसे ही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहा जाता है। इसको बीटा से दर्शाते हैं, पहले वाले को अल्फा से दर्शाते थे। तो क्षेत्रफल में वृद्धि ऊपर में सेम, जैसे कि लंबाई में वृद्धि था, फिर प्रारंभिक क्षेत्रफल ऊपर में प्रारंभिक यहाँ पर था पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। प्रारंभिक क्षेत्रफल था, प्रारंभिक लंबाई थी, तो यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्रफल और तापमान में वृद्धि, तो इसी प्रकार से भी हो जाएगा, बीटा बराबर चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया इंटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब सेम अगर हमको एरिया चेंज निकालना है तो बीटा इंटू ए इंटू डेल्टा टी, मतलब यहाँ से हम इसको पक्षांतर कर देंगे, निचला वाले पोर्शन को, ये जो पोर्शन है अपना ए इंटू डेल्टा टी को इधर भेज देंगे तो हमारा चेंज इन एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मूला है। और अपना आयतन प्रसार गुणांक है सेम, उसमें वॉल्यूम रहेगा, आयतन में वृद्धि, किसी भी वस्तु का जो आयतन रहेगा उसमें यदि हम प्रसार गुणांक निकालेंगे तो उसके आयतन में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक आयतन गुणित तापमान में वृद्धि, ठीक है। आयतन जैसे कि देखिए, इसका यदि हमने तापमान, हम इसने इसके जो तापमान है उसमें 1 डिग्री हमने वृद्धि की, ये जो सिलेंडर है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेलन। बेलन के जो तापमान है उसमें 1 डिग्री हमने वृद्धि किया, तो जितना इसका द्रव्यमान में वृद्धि हुआ, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे आयतन प्रसारण गुणांक, ठीक है। जितना इसके वॉल्यूम में वृद्धि हुआ, सॉरी मिस्टेक हो गया, जितना इसके आयतन में वृद्धि होता है एकांक आयतन में, उसी को हम बोलेंगे आयतन प्रसार गुणांक। इसको निकालेंगे कैसे, इसको हम गामा से प्रदर्शित करते हैं, सेम वही चीज़ है, पहले ऊपर में आयतन में वृद्धि यानी कि डेल्टा वी, नीचे में जो प्रारंभिक आयतन है वो, और तापमान में वृद्धि यानी कि डेल्टा टी, तो इससे हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं गैसों में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। गैसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है, गर्म करने पर गैसों का जो प्रसार है ठोसों और द्रवों की तुलना में अधिक होता है, ठीक है। कोई भी गैस को यदि हम गर्म करें तो वो द्रव और ठोस की तुलना में डबल फैलते हैं, ठीक है। गैसों में भी द्रवों की तरह ही केवल आयतन प्रसार संभव है। ये प्रसार 2 प्रकार का होता है, नियत दाब पर और नियत आयतन पर। तो सबसे पहला वाला देखेंगे नियत दाब पर। यदि नियत दाब पर गैस का जो ताप है वो बढ़ाया जाए तो गैस का आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब गैस फैलेगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रसार गुणांक को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं, ठीक है। किसी गुब्बारे को ऊष्मा देने पर उसके भीतर की हवा जो है क्या हो जाती है, गर्म होती है और वो फैलने लगती है, तो उसका आयतन में क्या होता है, वृद्धि होता है। और यदि यही आप गुब्बारे के बढ़ते आयतन को देख सकते हैं, ठीक है, सबने देखा होगा। गैस का जो आयतन प्रसार गुणांक है वो होता है आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणित तापमान में वृद्धि, ठीक है। तो इसको हम दर्शाते हैं गामा पी से, ठीक है। पी इसलिए क्योंकि प्रेशर जो है कांस्टेंट रहता है, दाब नियत रहता है, ठीक है।
आ, तो इसका हो जाएगा गामा पी बटे बराबर डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। ठीक है, वी मतलब आयतन में वृद्धि, यहाँ पर डेल्टा वी मतलब वी जो है प्रारंभिक आयतन, और डेल्टा टी मतलब ताप वृद्धि। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अपना नियत आयतन पर कैसे प्रसार होता है। तो जब नियत आयतन होता है मतलब वॉल्यूम जो है उसका कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम में कोई प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता, तो गैस का तापमान जब बढ़ाते हैं तो गैस में जो क्या होता है दबाव बढ़ता है। जैसे कि प्रेशर कुकर, उसमें क्या होता है कि उसका जो एरिया है उसका एरिया एक सीमित वॉल्यूम में रहता है, परंतु उसका जब तापमान बढ़ाया जाता है तो उसके अंदर का दाब बढ़ता है। तो यही सेम सिचुएशन है। तो इस प्रकार के प्रसार गुणांक को दाब प्रसार गुणांक कहते हैं, जैसा कि आपने कुकर में देखा होगा। ठीक है, गर्म करने पर कुकर की सीटी बजती है और सीटी में से भाप निकलती है। यह इसलिए होता है क्योंकि नियत आयतन पर कुकर के अंदर का दाब जो है बढ़ते जाता है। ठीक है, इस प्रकार से गैस का जो दाब प्रसार गुणांक है, दाब में वृद्धि बटे प्रारंभिक दाब गुणित ताप वृद्धि, वैसे ही होगा। यहाँ पर गामा वी यानी कि गामा और वी, वी मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए वी लिखे हैं, तो डेल्टा पी अपॉन पी डेल्टा टी, सेम यही परिभाषा को यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है इसमें। ठीक है, अगला हम देखेंगे गलन की जो गुप्त ऊष्मा है, आखिरी हमारा दो पॉइंट बचा है उसको देख लेते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ठीक है, जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, तब इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा की मात्रा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पर जो है प्रिंट नहीं हुआ है तो मैं बता देता हूँ क्या लिखा है। इस प्रक्रिया में दी गई जो ऊष्मा की मात्रा है वही गलन की गुप्त मात्रा कहलाती है, गुप्त ऊष्मा मात्रा कहलाती है। ठीक है, जब क्या होता है, जब एकांक द्रव्यमान के पदार्थ को ऊष्मा देने पर वह ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, जैसे कि एक बर्फ है, उसको एकांक क्या देंगे, एकांक द्रव्यमान है इसका मतलब 1 ग्राम है मान लो। ठीक है, उस पर जितनी ऊष्मा देंगे तो वो इसे ठोस से क्या हो जाएगा, द्रव में बदल जाएगा, तो उसी को बोलेंगे गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, सिंपल है। गुप्त ऊष्मा को L से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रा कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी है, 80 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, अर्थात क्या होगा इसका कि 0 डिग्री ताप पर 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री के ही 1 किलोग्राम जल में बदलने के लिए 80 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि किसी पदार्थ का द्रव्यमान m तथा गुप्त ऊष्मा l हो तो एक निश्चित ताप पर पदार्थ द्वारा दी गई ली गई जो ऊष्मा है उसको q बराबर m इंटू l से दिया जाएगा, दर्शाया जाएगा। ठीक है, आगे एक आखिरी जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह से गैस में परिवर्तित करने, जब पानी उबल रहा है, ठीक है, पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है, 1 लीटर पानी खौल रहा है, मतलब वो अपने क्वथनांक के कंडीशन में है। क्वथनांक मतलब वही होता है उसके अधिकतम उबलने के क्षमता पर वो पहुंच जाए। ठीक है, क्वथनांक से जब वह गैस में जैसे ही बदलता है तो उस समय के जो गुप्त ऊष्मा है उसको क्या कहेंगे, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, उतना जो एनर्जी लग रहा है, तो एकांक द्रव्यमान के द्रव को उसके क्वथनांक पर पूरी तरह से गैस में परिवर्तित करने के लिए लगने वाली ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर, जिस माने हीट पर जो है कोई भी द्रव जो है वो किस में बदल रहा है, गैस में बदल रहा है। पहले वाले में हम देखे थे कि ठोस जो है द्रव में बदलता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखेंगे, द्रव जो है गैस में बदल रहा है, तो इसको जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, L से प्रदर्शित करते हैं। वाष्प से द्रव में बदलने के लिए भी समान मात्रा में ऊष्मा पदार्थ से ले ली जाती है, मतलब वापस जब फिर अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक द्रव है उसको हम लोग जब ऊष्मा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वो बदल जा रहा है गैस में। ठीक है, अब वापस गैस से द्रव में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा को लेना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है थोड़ा टिपिकल चैप्टर है,
इसको आप अगर समझ में नहीं आया होगा तो चिंता मत करिएगा, दोबारा एक राउंड दो राउंड देखिएगा और दसवीं कक्षा की पुस्तक आप भी अपने से कहीं से ले लीजिए और उसको ध्यान से पढ़िए। मेरा लेक्चर वीडियो देखने के पहले एक रीडिंग आप दसवीं कक्षा की पुस्तक को कर लीजिए, ताकि आपको मेरे लेक्चर देखते साथ ही वो हर चीज़ समझ में आने लगे और साथ ही साथ आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, ताकि कम से कम समय में आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी हो सके। ठीक है, धन्यवाद। अगला वीडियो मैं फिर जल्दी अपलोड करूँगा और अगले वीडियो में हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है।